स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन। आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे दिया हूं। अगर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट में है तो आप मेरे को व्हाट्सअप में सेंड कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो आज हम बताने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में रहने वाले डिफरेंस, और सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जो रेलवे, बैंकिंग या एसएससी की कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर मान लेते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। मान लेते हैं जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपये लेके गए, एक साल के बाद देखिए मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट है, तो 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपया, तो साल के लास्ट में आपके हो जाते 110 रुपये। कैसे, 100 रुपये आपने लगाया और 10 रुपये आपका इंटरेस्ट, तो 110 रुपये आपके हो गए। अगले साल आपके पास 110 पहले से हैं, 100 रुपये का 10% इंटरेस्ट आपका हो जाता है 120 रुपये। यानी अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो 2 साल के बाद 10% के हिसाब से आपको मिलेगा 120 रुपये। फिर मान लेते हैं तीसरे साल चलते हैं, आपके पास 120 पहले से हैं, एक साल का आपका 10% इंटरेस्ट, 100 का 10% यानी कि 10 रुपये, यानी कि आपका हो जाएगा 130 रुपया। 100 रुपये आपका मूलधन और 10 10 10 30 रुपये आपके इंटरेस्ट, तो 130 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप 100 रुपया को लगाते हैं 10% के हिसाब से किसी को देते हैं तो 3 साल के बाद आप कितना लेंगे, 130 रुपये। तो वहीं आप हम लोग देखने जाएंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फ़र्क क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने 100 रुपये किसी को दिया, 10% रेट है, तो 100 का 10% तो 10 रुपया, तो साल के लास्ट में मुझे कितना मिलेंगे, 110 रुपये। यानी कि 100 रुपया मूलधन प्लस 10 रुपया इंटरेस्ट, 100 रुपया जो मेरा प्रिंसिपल, 10 रुपया इंटरेस्ट, तो हो गया मेरा 110 रुपया। देखिए साल के शुरुआत में मेरे पास कितना है, 110 रुपया। तो इंटरेस्ट मेरे को इस साल किस पे मिलेगा, 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 110 पे, 110 का 10% यानी कि 11 रुपया, तो साल के लास्ट में मेरे हो जाएंगे 121 रुपये। फिर देखिए अगला साल और एक साल के लिए अगर पैसा लगाता हूँ तो साल के शुरुआत में मेरे पास है 121 रुपया, 121 का रुपया का 10% हुआ मेरा 12 रुपया 10 पैसा, इनको जोड़ूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 133 रुपया 10 पैसा। तो ये फ़र्क है मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, हर बार जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपका प्रिंसिपल पे करते हैं, मतलब जितना रुपया आप लगाए हैं उसी के ऊपर आपका पे करते हैं या लेते हैं। लेकिन अगर वही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज, मतलब क्या है, पहले देखिए 100 रुपया का 10% इंटरेस्ट, 10 रुपया 110 हुआ, तो अगले बार जब आपको इंटरेस्ट देना पड़ा तो 110 रुपये पे देना पड़ा, यानी कि 100 रुपये पे भी आप इंटरेस्ट दिए, साथ ही साथ 10 रुपये पे भी इंटरेस्ट दिए। 100 रुपये तो आपका मूलधन और इंटरेस्ट पे भी आपका इंटरेस्ट लगा। वैसे ही अगर 121 में जाते हैं तो 121 में से 100 रुपया तो मेरा क्या है, 100 रुपया मेरा मूलधन है और उसमें से 21 रुपया मेरा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ पूरा 121 पे कर रहा हूँ, मतलब कि 100 रुपये पे भी इंटरेस्ट और उस 21 रुपये पे भी इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे मैं इंटरेस्ट पर भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो समझते हैं कुछ खास क्वेश्चन जो आपका एग्जाम वगैरह में देखने को मिलते हैं ज़्यादा करके, तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PTR/100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ए अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P+SI प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं इस फॉर्मूले को सिंपल इंटरेस्ट का। मान लेते हैं आप कहीं पे 2000 रुपये लगा रहे हैं, 2000 रुपये लगा रहे हैं 3 साल के लिए, ठीक है ना, और आपका ब्याज दर है मान लेते हैं 10%, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। तो देखिए आप कितना लगा रहे हैं, 2000 रुपये लगा रहे हैं, तो ये हो गया आपका पी हो गया आपका 2000 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो पैसे आप लगा रहे हैं, टी मतलब समय, कितना समय के लिए लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 साल के लिए लगा रहे हैं बोल के टी हो जाएगा मेरा 3, अगर यहाँ पे 3 साल के जगह लिखा होता 3 महीना तो मैं 3 महीना होता तो मैं यहाँ टी की जगह लेता 3/12, क्योंकि महीने, हाँ साल में कितने महीने होते, 12 महीने, तो 3/12 हो जाता मेरा टी। अगर वही मेरे को बोलता 75 दिन, अगर मान लेते हैं मेरा होता 75 दिन, टी दिया रहता 75 दिन, तो मैं लेता टी को 75/365, क्योंकि साल में होते हैं मेरा 365 दिन, ठीक है, इस तरीके से मैं टी डिसाइड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 ईयर्स मतलब 3 साल, तो 3 साल यहाँ पे मेरे को टी खाली 3 लूँगा। अगर मंथ में रहता तो बाय 12 करता, ईयर में डेज में रहता तो बाय मैं 365 करता हूँ।
फिर आया रेट मेरा कितना है 10%, तो आर हो गया मेरा 10%। तो इस हिसाब से मैं क्या निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। तो देखिए नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी टी आर बाय 100। तो पी मेरा कितना है, प्रिंसिपल मेरा 2000 है, 2000 है इंटू टी, टी मेरा है 3 साल, रेट है मेरा 10% बाय 100। ये मेरा फॉर्मूला है, इंटू का 2 जीरो, डिवाइड का 2 जीरो कटा, 20 × 3 यानी कि 60, 60 × 10 हो गया मेरा 600। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 600 रुपया। मतलब 2000 रुपया पे 3 साल में मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा, 600 रुपया। मेरे को मान लेते हैं अमाउंट, तीन साल के पहले मैंने किसी को दिया 2000 रुपया, 3 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, तो आता है ए। ए का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल के साथ मेरा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरा कितना है, 2000, है ना। इसका फॉर्मूला है पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल है मेरा 2000 प्लस मेरे को 600 रुपया इंटरेस्ट मिलता, यानी कि मुझे साल के लास्ट में मिलते कितने, 2600 रुपया मिलते, ठीक है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन है, देखिए इसमें मेरा क्या था, इस क्वेश्चन में मेरे को पी दे दिया था, टी दे दिया था, आर दे दिया था और सिंपल इंटरेस्ट और ए निकालने के लिए बोला था। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बता देता है, पी निकालने बोल देता है या टी निकालने बोल देता है या आर निकालने के लिए बोल देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 200 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 200 रुपया। पी हम लोग को अपना निकालना है, ठीक है ना। टी टाइम कितना टाइम के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है। रेट कितना है मेरा, 10% है रेट, ठीक है ना। तो मुझे पूछा क्या है, पी प्रिंसिपल बताइए, अगर 2 साल में 10% के हिसाब से मेरा सिंपल इंटरेस्ट अगर होता है 200 रुपया, तो मैं कितना रुपया लगाया होगा। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को हम लोग लेके चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि पी टी आर बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट मेरे को पता है 200 रुपया, पी मेरा कितना है निकालना है, टी मेरा 2 साल, आर कितना है 10% बाय 100, इंटू का 1 जीरो, डिवाइड का 1 जीरो कटा, 2 का आधा 1 और 10 का आधा 5। ये 5 मेरा क्या है, डिवाइड में है, इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो पी इक्वल टू 200 × 5, 200 × 5 यानी कि प्रिंसिपल हो गया मेरा 1000 रुपये। यानी कि अगर मैं 1000 रुपया लगाता 10% के हिसाब से, तो 2 साल में मेरा सिंपल इंटरेस्ट बनता 200 रुपया, ठीक है। चलिए, तो पी पूछने से हम इस तरीके से बता सकते हैं, अगर मान लेते हैं पूछता, अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछता कि हम लोग 2000 रुपया को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, 2000 रुपया को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, रेट कितना है मेरा, 5% रेट है, 5% रेट है, वो मेरा हो जाएगा कितना, 2300 रुपया, कितने साल में, कितने साल में पूछ रहा है, ठीक है ना, कितने साल में वो हो जाएगा मेरा 2300 रुपया, ठीक है। तो मेरा टी पूछा, तो देखिए सबसे पहला चीज मैं देखूंगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए माइनस पी, अमाउंट से पी को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मैं लगाया था 2000 और टोटल मेरे को मिल रहा है 2300 रुपया, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना है, एक्चुअली में 300 रुपया। तो ये निकाल सकता हूँ मैं, 2300 - 2000 यानी कि 300 रुपया हो गया मेरा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। मेरे को क्या निकालना है, टी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालेंगे, पी टी आर बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 300, पी मेरा 2000 है ना, टी मेरा कितना है 5, टी मेरे को निकालना है, रेट है मेरा 5% बाय 100, इंटू का 2 जीरो, डिवाइड का 2 जीरो कटा, 20 × 5 100, यहाँ पे मेरा क्या इंटू में है टी के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 100, डिवाइड हो जाएगा तो मेरे को पता चल जाएगा टी। तो इंटू का 2 जीरो, डिवाइड का 2 जीरो कट गया, तो आया मेरा टी कितना, 3। तो टी आया 3 यानी कि 3 साल। अगर टी 3/12 समथिंग आता तो 3 महीना होता, समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से मैंने टी फाइंड कर लिया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मेरे को सब कुछ दे देता है, निकालने के लिए क्या बोलता है, रेट कि कितना परसेंट के हिसाब से ये होगा। अगर बोला मेरा प्रिंसिपल है 1500 रुपया, मैं लगा रहा हूँ 1500 रुपया और मुझे 3 साल में मिल रहा है, हाँ 3 साल में मिल रहा है, 3 साल में मेरे को मिल रहा है 1950 रुपया, 1950 रुपया। तो बताइए मेरा रेट कितना है, कितना परसेंट के हिसाब से मेरे को 1500 रुपया मेरा 3 साल के बाद 1950 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी हम लोग सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट डिसाइड कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी।
मैं लगाया कि मेरे को मिल कितना रहा है, 1950, लगाया कितना था 1500 रुपये, तो यानी कि मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 450 रुपये। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 450 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल रहे हैं। तो मुझे क्या जानना है? आर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी टी आर बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 450, पी मुझे क्या है 1500, 450 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी है मेरा 1500, टी मेरा है 3 साल, रेट मुझे निकालना है बाय 100। देखिए इंटू का 2 जीरो कटा, डिवाइड का 2 जीरो कटा, 1500 * 45 आर के साथ इंटू में है तो इक्वल टू भी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना है? 450 है, 1500 * 45 इंटू में है, इक्वल टू भी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो 450 से 45, 45 * 45, 45 * 45, ये जीरो ऊपर चला गया तो आया मेरा रेट 10%। ठीक है ना? तो ये थे कुछ सिंपल क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ खास